पिछले 2-3 महीनों से मारुति सुजुकी ब्रेजा की सेल्स काफ़ी डाउन हो रखी है। आप सभी लोगों को पता होगा कि रीज़न क्या है। जिन लोगों को ब्रेजा खरीदनी थी और ख़रीदने का प्लान ड्रॉप किया है, उन लोगों को तो काफ़ी अच्छे से पता होगा कि उन लोगों ने क्यों ड्रॉप किया है प्लान। और वंस अ सेगमेंट लीडर जो हुआ करती थी ब्रेजा, पूरे मार्केट में, पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट में, इंडिया में रूल करती थी, फर्स्ट 3 कार्स की लिस्ट में सेल्स में हुआ करती थी, जो अब SUV की, कॉम्पैक्ट SUV की सेल्स में भी 4th या 5th नंबर पर आने लगी है। तो सबसे तगड़ा रीज़न यही है कि भैया फेसलिफ्ट 2022 आने वाला है। अब क्या कुछ डिटेल्स रहने वाली है 2022 की, उसी की बात करने वाला है इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ आपको नया मिलने वाला है 2022 ब्रेजा के अंदर। तो लास्ट फेसलिफ्ट मैं आपको बता दूं, फेब्रुआरी 2020 में मारुति ने ब्रेजा को दिया था। उसके बाद से इसको कोई भी अपडेट नहीं मिला है और इस बार ही काफ़ी ज़्यादा मेजर अपडेट मिलने वाले हैं 2022 के अंदर। एक्सटीरियर से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अंडरपिन बाय ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म रहने वाला है। अब कंफर्मेशन ऑफिशियल नहीं है कि हार्टटेक प्लेटफॉर्म रहता है या फिर ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म जो पहले यूज़ किया गया था। अगर वो पहले वाला यूज़ किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये 4-स्टार आसानी से कर लेगी क्रैश टेस्ट। लेकिन अगर वो हार्टटेक प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है तो फिर ये सेफ्टी रेटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा पुअर रेटिंग्स ला के देगी आपको, जो कि 2-स्टार भी हो सकते हैं। लेकिन ये अभी मारुति के ऊपर है कि वो लोग क्या करना चाहेंगे। मेरे मुताबिक तो अभी वो ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म ही यूज़ करेंगे, क्योंकि लोग आजकल ज़्यादा ही वैल्यू दे रहे हैं सेफ्टी को, तो मारुति क्यों चाहेगी कि अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। तो जाहिर सी बात है अभी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म ही आएगा, ऐसा मान के चलते। एक्सपेक्टेड है कि यूज़ स्ट्रॉन्गर स्टील का यूज़ करेंगे बॉडी के लिए, जस्ट एज दे डीड विद द न्यू बलेनो 2022। जैसा बलेनो में इन लोगों ने किया 55 kg ज़्यादा ऐड किया वेट, ऐसे ही ब्रेजा के साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रेजा का प्लेटफॉर्म बलेनो से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है, तो उसकी रेटिंग भी जाहिर सी बात है अच्छी ही होगी। एक्सटीरियर में इसके अलावा गाड़ी में सनरूफ मिलेगा आपको, कम्प्लीटली न्यू एक्सटीरियर होगा। अब बम्पर दोनों ही रिवाइज नहीं होंगे, दोनों फुली चेंज होंगे। बॉडी की डिज़ाइन जो है वो भी चेंज होगी, इंटीरियर डिज़ाइन चेंज होगी। ऑल न्यू फ्रंट एंड रियर फेसिया होंगे, बोनेट इज़ मोर फ्लैटर नाउ, नोज इज़ वेरी अपराइट, न्यू LED हेडलैम्प्स DRLs मिलेंगे आपको, जो अलग अवतार में देखने को मिलेंगे। LED टेल लैम्प्स मिलेगी, साथ ही में आपको रिवाइज रियर बम्पर्स मिलेंगे, जिन पे थोड़े मोड़े छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, जो पहले की ब्रेजा है उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको न्यू ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स मिलेंगे, मस्कुलर स्किड प्लेट ट्रीटमेंट मिलेगी फ्रंट और रियर दोनों में। इंटीरियर की बात करें तो न्यू फ्रेश डिज़ाइन मिलने वाले, इम्प्रूवड डैशबोर्ड क्वालिटी पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। जैसे हमने बलेनो के साथ में देखा, पुरानी वाली बलेनो और नई बलेनो में काफ़ी अंतर था इन टर्म्स ऑफ डैशबोर्ड क्वालिटी और डिज़ाइन, मोर प्लसनेस होगी। 9-inch की स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम होगी, जो बलेनो में मारुति ने ऑलरेडी यूज़ किए। हेडसअप डिस्प्ले के चांसेस 100% है, 360° कैमरा के चांसेस 100% है, फाइनल है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फुल एंड फाइनल है, आने ही वाली है। बेटर प्लास्टिक क्वालिटी इन इंटीरियर, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील आने वाला है, न्यू फीचर्स इन MID, क्रूज कंट्रोल आने वाला है, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको सेफ्टी के नाम पे मिलने वाला है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो अभी मारुति अपने डीजल इंजन पे काम कर रही है, लेकिन अभी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या कन्फर्मेशन नहीं है कि डीजल इंजन प्रोड्यूस हो गया है। अब प्रोडक्शन की क्या बात है कि वो तो अब मारुति ही जाने, उन लोगों ने कोई डिटेल रिवील नहीं किया। लेकिन जब तक बात है, अभी जो सेल्स मारुति की हो रही है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें एक्सपेक्टेड है, 5-speed मैनुअल के साथ में आएगा और 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आएगा, जो टॉर्क कन्वर्टर रहने वाला है, जो कि अभी के जो MT है उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। नेक्सॉन का AMT, XUV300 का AMT, उनसे भी फास्ट होने वाला है ये टॉर्क कन्वर्टर, तो ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है। पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाएंगे, 13 लाख की गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्टर्स, मतलब एक सोने पे सुहागा। CNG डिटेल वीडियो आने वाले हैं इस पे बहुत जल्द, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको अपलोड्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके राइवल्स की बात करें तो वेन्यू, सोनेट, मैग्नाइट, काइगर, नेक्सॉन, अर्बन क्रूजर, WRV जैसे के साथ ये कम्पीट करेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो रहने वाली है 8 लाख से 12.5 लाख, जो कि अभी से 50,000 तक का इंक्रीमेंट होने वाला है या हो सकता है प्राइजेस में, क्योंकि मारुति बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो लाती नहीं है, तो जाहिर सी बात है इतना ही रहेगा। लॉन्च डेट की बात करें तो 15 अगस्त 2022 अभी के लिए कंफर्म है, लेकिन अगर कोई ऊपर नीचे होता है तो हम आपको वीडियो के थ्रू पहुँचाएँगे। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।
तब तक के लिए ड्राइव सेफ, थैंक यू।